फिर से टीन के नीचे रुक गए हो। पंजे लग रहे कुत्तिया। बहुत ज्यादा गमों के साथ बताना पड़ रहा है। बोलती थी इसका बस ब्लॉग अगर टाइम से पोस्ट नहीं हुआ तो इसका अलग रूप निकल के आता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं कहीं चला जाऊँ थोड़ी बहुत देर के लिए, अकेला घूम करके आऊँ या कुछ भी, क्योंकि कल को रात चला जाएगा तो मुझे वो आदत डालनी होगी, यू नो, पूरे घर में अकेला रहने की या फिर बाहर अकेला जाने की। तो थोड़े से रोड सर्च करके आऊँगा। स्नूपी बाबा ने पता नहीं क्यों तंग कराया पूरी, मतलब रात में ना पूरा काट रहा था, पूरा काट रहा। यहाँ पे तू सो जा, पूरा बेड के लास्ट के कोने में पड़ा हुआ है। गुड मॉर्निंग, क्या हो गया था, क्यों काट ली थी रात में? हम्म, अरे भैया, क्यों काट ली थी? हम्म, भूख लगा, प्यास दोनों ही खाली से लग रहे हैं। भूख लगा है, भूख और प्यास दोनों। दे दिया स्नूपी बाबा को खाना, मैं निकल लूँगा थोड़ी देर में। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है आजकल, बहुत मतलब अच्छा होता है कि होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। देखो कितना मस्त मौसम हो रहा है। स्नूपी क्या मिल रहा है तुझे? कैसे आएगी आप? आ तू, आ आके दिखा, अब आके दिखा। कुछ नहीं मिला तो भौंकेगी, मुझे भौंकेगी तू? हैं, ये अंटे की तरह आके मत चमका के दिखा मुझे। ना मैं तो आऊंगा नहीं, ले पानी पीना आज आराम कर दिया है इसने, मेरा पानी पीना। देखो क्या करा है, क्या करा है इसने, पूरा ठीक था। भागे जा रही है, भागे जा रही है, इसने अलग दिमाग खराब करके रखा। स्नूपी क्या चाहती है तू, क्या करूं मैं तेरा? बुलाने की कोशिश करती है, मेरे पास आएगी, मुझे मारेगी कि मेरा गुड्डा उठा के दो। देखती रही, हाँ क्या क्या ले, तू इतना अच्छा बच्चा कू है, तू इतना अच्छा बच्चा कू है। हाँ चल खेल लो तुम गुड्डे से। गाइस अभी राज तो सो रहा है वो, और मेरा मन नहीं लग रहा था, मेरा मन कर रहा था घूम के आने का, तो मैं नहा लिया, अभी निकलता हूँ थोड़ी देर में और फिर कहीं, मतलब ऐसे ही वेलाबंदी करके आता हूँ। और मुझे एक काम भी है तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं वो भी चीज़ कोशिश करूँगा आज पूछ के आऊँगा। करूँगा तो नहीं वो चीज़ आज, बट एटलीस्ट मैं पूछ के आ जाऊँगा।
और जब भी करना होगा वो चीज़ जब भी होगी तो एक अलग ही रोला होगा, एक अलग ही वाइब्स आएंगी जब भी होगा वो। तो मैं आज वो चीज़ पूछ करके आऊँगा, खास करके मैं उसी चीज़ के लिए जा रहा हूँ। मैं बता दिया आप लोगों को, तो पूछ के आते हैं वो भी और कैसे क्या होना है वो भी करके आते हैं, क्योंकि टाइम लगेगा उसमें, कम से कम मुझे पूरा पूरा एक दिन लगेगा उस चीज़ में। तो देखते हैं चीज़ें कैसे रहती हैं कैसे नहीं। चलो अभी चलते हैं, निकलते हैं, इसको सोने देता हूँ, इसमें पिहाई घर में, मैं चलता हूँ, निकलता हूँ। तो गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ और पूछ के आते हैं चीज़ों का, और एक दो काम और भी है मुझे आज, तो मैं सारे निपटाता भी आऊँगा, मतलब सोच रहा हूँ। और जब आऊँगा ना तो आते पे बिरयानी लेकर आऊँगा, ताकि आके खाना ना बनाना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी थक जाऊँगा घर पे आके, इतना एनर्जी नहीं रहेगा कि खाना वाना भी बनाऊँगा, इसलिए यही सारी चीज़ों निपटा के ही आऊँगा। अपनी गड्डी भी धोनी है हमें, आज नहीं कल धोएंगे। हेलमेट निकाल लेता हूँ, ज़्यादा रोले में भी नहीं चलना चाहिए। तो हेलमेट डाल लिया मस्त, अभी निकलते हैं भाई, पूछ के आते हैं चीज़ों का जल्दी से। अभी मैं आ चुका हूँ सिटी सेंटर मॉल, और अभी देखते हैं कि एक्चुअली ना मैं शॉप ढूंढ रहा था, शॉप तो मुझे मिल नहीं रही है, तो क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ एक बार अनु को कॉल कर लेता हूँ, उससे पूछता हूँ कि कहाँ कहाँ है वो भैया का शॉप, देन आफ्टर चलते हैं वहाँ पर, है ना। फाइनली काम हो चुका है, मैंने बात कर लिया है पूरा, कुछ चीज़ों का चला जाना ही अच्छा होता है, तो बस कुछ चीज़ें रिमूव करवाना चाहता हूँ, इसलिए आया था। सारा बात हो गया है, पूरा एक प्रॉपर एक डे लगेगा उसके लिए, पूरा प्रॉपर मैं बता दूंगा मैं क्यों आया था क्यों नहीं आया था। तो काम हो चुका है, अभी चलते हैं घर पे, निकलते हैं जल्दी से। तो भाई स्कूटी मिल गया अपना, अब इसमें से हेलमेट निकाल लो पहले, अभी घर पे चलते हैं भाई, निकलते हैं। बहुत तेज़ गर्मी हो गया यार, जितनी देर मैं वहाँ रहा ना उतनी देर तो हाँ चलो सही था, बट अभी बहुत गर्मी होके रखा है, निकलता हूँ मैं घर पे। तो गाइस मैं घूमते घूमते थोड़ा आ ही रहा था, तो मैं यहाँ पे आ गया अभी, और सीरियसली ये व्यू देख के मज़ा आ रहा है मुझे, थोड़ी देर बैठूंगा यहाँ पे फिर जाऊँगा। गाइस यहाँ पे बारिश हो गया स्टार्ट, सडनली बारिश हो गया स्टार्ट, और मैं यहाँ पे एक ये टीन पड़ा है उसके नीचे आके मैं रुक गया, मैंने सोचा चलो कुछ यहीं पर तूफानी करा जाए आराम से। मैं मतलब बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था वहाँ पे, बहुत टाइम से खड़ा हुआ था मैं, मतलब स्कूटी पे बैठा हुआ था, बट फिर सोचा कि चलो यार थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही स्कूटी स्टार्ट किया वैसी बारिश स्टार्ट हो गया, बिरयानी लेने के बाद मैं घर पे जाऊँगा, तो अभी पहले बारिश रुक जाए तब निकलते हैं यहाँ से। गाइस अभी बारिश रुक गया है गाइस, अभी चलते हैं हम घर पे गाइस, बड़ा मज़ा आ रहा है सीरियसली बता रहा हूँ, आराम से अकेले घूमने का अलग ही मज़ा है यार, पता है मस्त, एकदम से जिंदगी का पत्ता ही नहीं है कुछ, अकेले कहीं भी फिर लो जाके। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे आ रहा था, आते आते देख सकते हो आप इतना तेज बारिश स्टार्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा तेज। मैं अभी यहीं पे रुक गया हूँ थोड़ा सा, ये टीन के नीचे है, फिर से टीन के नीचे रुक गया हूँ, वैसे मैं भीग तो गया हूँ पूरा, तो फिर भी अभी मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ बारिश में इतना तेज में, सोच रहा हूँ कि रुक ही जाऊँ तो अच्छा है, मैं बिरयानी लेने जा रहा था अच्छा भला। गाइस सीरियसली बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रहा है, मुझे नहीं पता था कि इतना तेज बारिश होने वाला है, और तो और पीछे दुकान है, मुझे ये भी नहीं पता था वो अभी खुल जाएगी, दुकान खुल चुकी है, और बाहर बारिश का आलम बहुत ज़्यादा ख़राब है। कम से कम मुझे अभी 20 से 30 मिनट हो गया यहाँ पे खड़े हुए, देखता हूँ अभी क्या करना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रहा है, तो जाने का तो मेरा मतलब नहीं बनता। बट हाँ आंटी ने मैंने जब उनसे बोला कि यहाँ पे बाहर जाऊँगी, जैसी दुकान खुला तो मैंने बोला बाहर जाऊँ क्या, आंटी ने बोला नहीं नहीं ऐसे ही खड़े रहो आप यहीं पे खड़े रहो, तो मैं यहीं पे खड़ा हो गया। ज़्यादा भीगने के बाद अभी मेरे को कम से कम नहीं तो 2 घंटे हो गए फंसे, 2 घंटे से मैं ऐसे ही इधर से उधर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ, और अभी फाइनली मैं बिरयानी वाली शॉप तक पहुँच तो गया, अब बस जाऊँगा लेके बिरयानी घर पे, और मैं बहुत ज़्यादा भीग चुका हूँ, मतलब पूरा भीग चुका हूँ, और हालत भी ख़राब हो रही है अभी कि अभी निकल जाए इतना, पहली चीज़ तो, और बारिश कैसी हो रही है देखो ज़रा, इतना तेज़ बारिश 2 घंटे से हो रही है, सडनली धूप निकलना स्टार्ट हो गई, और अभी बारिश हल्की हल्की सी बारिश हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है।
मैंने दो प्लेट पैक करा लिया ताकि यू नो भूख लग रही है, मैंने भी सुबह से कुछ खाया नहीं है। अभी घर पे चलते हैं, डायरेक्टली घर पे मिलता हूँ अब, क्योंकि बारिश हो रहा है तो मैं फ़ोन निकाल नहीं रहा हूँ, डिक्की में रख रहा हूँ। फाइनली घर पे पहुँच रहा हूँ मैं अभी। यहाँ पे बिल्कुल बारिश का सीन दिख नहीं रहा है अभी, मतलब अभी बारिश रुक चुका है फाइनली, और मैं घर पे पहुँचने वाला हूँ। 5 बज रहा है। मेरे को ना मेरी मम्मी पता है क्या बोलती थी घर पे, बोलती थी इसका बस ब्लॉग अगर टाइम से पोस्ट नहीं हुआ तो इसका अलग रूप निकल के आता है। और मेरा सच्चे में मेरा ब्लॉग टाइम पे पोस्ट नहीं होता, मेरा ना दिमाग ख़राब हो जाता है। अभी घर पे जाऊँगा, चेंज वेंज करके ब्लॉग पोस्ट करूँगा। अभी ऑलरेडी 5:10 हो रहा है, मतलब कि आज मेरा ब्लॉग लेट होगा, तो मैं टाइमर डाल दूंगा, मैं 6:00 ही पोस्ट करूँगा ब्लॉग को। देखते हैं सीन क्या रहता है। बाकी अभी घर पे तो पहुँचने वाले हैं। सीरियसली यार, आज वो जो धज्जियाँ होनी है ना टाइम का, मुझे पता था मेरा 1 घंटे में काम हो जाएगा और 1 घंटा आने जाने में लग जाएगा मैक्स, बट मुझे नहीं पता था मैं बारिश में इतना गंदा फंस जाऊंगा। तो जो भी था, ओवरऑल ठीक था, एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि मैं बारिश में बहुत टाइम बाद भीगा हूँ और बहुत मज़ा आया। मुझे सच्ची बताऊँ, मुझे बहुत मज़ा आया। तो बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस है ये नहीं कह सकता मैं, बट हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का बारिश में भीगने का। अभी चलते हैं अंदर और बस फिर कपड़े चेंज करके मिलता हूँ मैं आपको। डिशम डिशम डिशम, एक ही हाथ से। अब प्लीज़ कोई कमेंट मत करना कि एक हाथ से मत चलाओ लॉल, सॉरी हाँ मुझे अभी करना पड़ रहा है, राज पीछे नहीं बैठा ना इसलिए। मुझे अभी से ही समझ में आ चुका है कि मेरा तबीयत खराब होना ही होना, गारंटी के साथ मैं लिख के दे सकता हूँ मेरा तबीयत खराब होगा। मतलब थोड़ा बहुत होगा, ऐसा नहीं होगा बहुत ज़्यादा होगा, तो मैं उसका इंतजाम पहले ही ले आया हूँ। तबीयत खराब नहीं हो पाएगा मेरा, क्यों नहीं होगा वो मैं बता दूंगा। मैं अपनी खुराक ले आया हूँ, पहले ही दवाई ले आया हूँ तबीयत खराब होने से पहले, एक टैबलेट ट्रक, क्योंकि यार अभी तो ध्यान खुद का खुद ही रखना पड़ेगा ना। अनु तो है नहीं, और अनु की एक सीख है अपना ख्याल स्वयं रखें। तो गाइस अभी मुझे तो भूख लगा नहीं है, सही बता रहा हूँ, मेरे सर में दर्द होना स्टार्ट हो चुका है। राज को खाना देता हूँ, बिरयानी लाया ही था मैं, मुझे पता ही था। ले स्नूपी को अब चाहे तो शामिल कर लियो ज़रा से पीस के साथ, हड्डी के साथ लास्ट वाली। ठीक है बच्चा, तू भी खा लिया? हाँ मिलो बुज्जा, तू तो डर गई थी, बाप कहाँ गया तेरा, फिर से भाग गया क्या? फिर से भाग गया मेरा बाप, नहीं भागा था, बस बाप बहुत ज्यादा फंस गया था। थोड़ा ज्यादा दे देना उसको बिचारी को, तुम्ही ने तो बोला थोड़ा, थोड़ा मतलब इतना थोड़ा थोड़ी बोला था, थोड़ा सा ही दिया। हाँ दे दे, कितना कुत्ता है तू, दे 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 उसको। तुम्ही ने तो बोला थोड़ा दूध, थोड़े का मतलब उतना थोड़ा नहीं था। सम्मी में यहाँ पे खड़ा हुआ था, मतलब खाना वाना दे दिया मैंने, स्नूपी को भी दे दिया खाना, उसने भी खा लिया मस्त। और अभी मैं बस खड़ा हुआ ऐसी मौसम के मज़े ले रहा था, प्लस मेरा मन किया 1-2 रील्स बनाने का, तो मैंने रील्स बनाया 1-2। वो आप इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिए, आप लोग वहाँ पर अच्छी अच्छी रील्स देख पाएंगे। और आज का मौसम सच में बहुत अच्छा है, सीरियसली बहुत ही मस्त है ना, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं खड़ा हुआ तो हूँ, मतलब चीज़ें तो मैं कर रहा हूँ, बट बात यह है कि ना मेरे ना यहाँ पे दर्द हो रहा है, मतलब पूरे सर में नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है पूरे सर में दर्द हो रहा है, बट मेरे यहाँ पे ऐसे करके यहाँ से आँख से दर्द हो रहा है, आँख से दर्द हो रहा है, मतलब यहाँ पे दर्द हो रहा है और ऐसे करके दर्द हो रहा है, ये बस इतना सा। और एक चीज़ और गाइस, मैंने सारी चीज़ें तो बचा ली बारिश में, बट मैं भूल गया, वॉलेट पूरा भीग गया, और ये भीग भाग के ना बहुत भाई साहब पूरा वॉलेट भीग के भीग चुका है, देख लो सब कुछ भीग भाग गया, इसको पूरे को सुखाना पड़ेगा। और एक चीज़ और, ये जो पैसे ना गाइस ये भीग गए हैं पूरे, पर ये मेरे पापा ने मुझे दिए, वैसे मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़, पर ये पैसे बिल्कुल तर हो गए हैं, देखो बिल्कुल भीग गए हैं बिल्कुल, तब मैं इनको सुखाऊंगा बैठ बैठ के। ये अच्छा था, ये करिए दोबारा कर। स्नूपी को टहलाने जा रहा हूँ। हम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे इसको, और वो अंकल के पास बैठा हुआ था।
हाँ वो आपके पास बैठा था इधर उधर यहीं पर जा देखो कितना गंदा चेन कर लिया। चलो गाइस अभी घर पे चलते हैं। इसको स्नूपी को भी बहुत टहल लिया और मेरे भी पैर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, तो अभी घर पे चलते हैं। निकल लो चलो जल्दी से। बहुत ज़्यादा गमों के साथ हमें आज बताना पड़ रहा है कि हमारा वाईफाई कनेक्शन जस्ट अभी अभी 12 बजते ही ख़त्म हो चुका है और मैं लाइव पे था और ये अपने गेम पे था आधा पड़ा हुआ और हमारा ऐसी तैसी हुई पड़ी। मैं वाईफाई वाले को कॉल करते करते थक गया हूँ। 12 बजे ऑब्वियसली कौन फ़ोन उठाएगा, तो वो फ़ोन तो उठाएगा नहीं। तो अभी सोने की तैयारी करते हैं, कैसे ना कैसे करके सोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम दोनों वाईफाई में लगे थे। मैं लाइव पे था और मैंने जैसे कि बताया मैं लाइव पे ये गेम पे था, तो अभी कुछ तो हो नहीं सकता। गार्ड को बोलते हैं भैया आप वाईफाई मैनेज करवा दो, और फिर वो क्या बोलेगा? वो करेगा ना फोन कुछ नहीं करेगा, कहेगा ऐसा जाके ऊपर सो जाओ वरना यहीं पे लात लट बजाना शुरू कर दूंगा। फोन में रिचार्ज है, नेट है, पर चलता नहीं है। वही तो बात है। अच्छा हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे फोन्स में नेट नहीं है, है भरपूर है। मेरा तो 10 MB खत्म हुआ है बस। मेरा तो वो भी नहीं हुआ है पर क्या चलता ही नहीं है उसमें है। मेरी भीगी भीगी रिंगटोन क्या है, मेरी भीगी भीगी सी पल। हम लोग कह रहे हैं हमारी भी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए सपने पिघल के। हाँ हाँ सुनाई दो, सुना दे। लगा अपने फोन से लगा हम ही दो प्राणी है जो रात के 12 बजे उसको डिस्टर्ब कर रहे। पर यार हम क्या करें, वाई बारह हो रहे हैं 12 12, पर क्या करें यार, वाईफाई के बिना हमारा फोन लावारिस हो रहा है, तो कुछ और कर नहीं सकते। पर हाँ आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है कि आराम से यहाँ पे थोड़ा देर बैठेंगे फिर जाके सो जाएंगे। ठीक है, बाय बाय।